तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज की ये वीडियो न्यू यूट्यूबरों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि भाई जो भी न्यू यूट्यूबर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। आपने थंबनेल सीधा देख ही लिया है। आप इस वीडियो में बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हो, बहुत सारी चीजों को समझने वाले हो। अगर आप ये गलती करते हो तो भाई आप YouTube पे हाथ घिसते रह जाओगे, कभी भी आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, कभी आप YouTube पे सक्सेस नहीं हो पाओगे आप अगर ये गलती करोगे। तो जैसा कि मैंने YouTube के थंबनेल पर लिखा है, आज मैं इस वीडियो में अच्छे से आपको बताने वाला हूँ आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, ताकि आप आगे बढ़ो, YouTube पर सक्सेस हो जाओ। ठीक है, मैं भी ये चाहता हूँ आप भी सक्सेस हो, मैं भी सक्सेस हूँ, सब मिलके चले हम। मेरा बस यही मानना है और यही कहना है। तो जो भी न्यू यूट्यूबर है उनको मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि भाई आप क्या करते हो, आप वीडियो को अपलोड करते हो YouTube पे, आपने वीडियो अपलोड भी कर ली और उस वीडियो को अपलोड करने के बाद क्या करते हो, कभी कभी अपना खुद ही ओपन करके चलाने लग जाते हो, तो उसके घाटे क्या है मैं आपको बताता हूँ। आगे विद प्रूफ बता दूँ, संग के संग मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के साथ बताता हूँ। ये साइड में आपको दिख रही है मोबाइल स्क्रीन, ठीक है। ये मान लीजिए हमने क्या करा, अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, ठीक है। अब मैंने कोई वीडियो अपलोड कर दी अपने YouTube चैनल पर, अपलोड कर दी, इस तरीके से लिखा आता है अपलोड योर वीडियो। मैंने अब ये भी अपलोड किया इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए, तो सी वीडियो पे क्लिक कर लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है, हमारे YouTube चैनल की जो वीडियो हम अपलोड करते हैं वो इस तरीके से आ जाती हैं। अब आप क्या करते हो, बहुत से न्यू यूट्यूबर जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जिनको बिल्कुल इस चीज़ की ये नहीं पता कि भाई हम अपनी वीडियो को ही ओपन कर लेंगे तो उससे हमारा क्या घाटा है, तो भाई मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, जैसे आपने वीडियो अपनी ओपन करी और ऐसे खुद से देखने लगे, ऐसे खुद से देखने लगे, मैं नहीं देख रहा मगर मैं हटा रहा हूँ भाई, ना 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 ना, मैं ऐसी गलती नहीं करने वाला। अगर आप अपने ही चैनल पर अपनी ही वीडियो को अपलोड करते हो और उसे खुद ही चलाकर देखते हो तो मेरे भाई ये गलती करना बंद कर दो, नहीं तो आप उम्मीद मत रखना YouTube से कि आपकी कभी कोई वीडियो वायरल भी करेगा YouTube, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि YouTube भाई अब बहुत ज़्यादा सख्त हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अब YouTube हर एक एक चीज़ देखता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन सी वीडियो आप मिस्टेक कर दोगे, हल्की सी कोई कमेंट्री गाइडलाइंस के खिलाफ कोई वर्क कर दोगे इतना सा बाइक सा भी वीडियो में, तो YouTube तुरंत उसे भी पकड़ लेता है। भाई यहाँ तो आप पूरा बड़ा काम कर रहे हो जो कि आसानी से YouTube देख सकता है। मेरे भाई आपकी वीडियो वायरल जब होती है जब दूसरे लोग आपकी वीडियो को देखते हैं। आप क्या करते हो, अपनी वीडियो को अपलोड करते हो और अपनी वीडियो को ही चलाकर खुद देखने लग जाते हो कि मेरी वीडियो पे लाइक आ रहे हैं नहीं आ रहे, मेरी वीडियो पे व्यू आ रहे हैं नहीं आ रहे, आप क्या करते हो यही सारा काम करते हो। तो भाई सबसे पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको अपनी वीडियो अपनी खुद की आईडी से कभी नहीं चलानी, क्योंकि जब आप अपनी वीडियो अपनी खुद की आईडी से चलाते हो ना तो यूट्यूब के पास सारी डिटेल्स आती हैं। यूट्यूब ये देखता है कि भाई ये तो अपनी वीडियो को अपनी आईडी से ही खुद चला रहा है, जो भी व्यू आ रहे हैं जितने भी व्यू आ रहे हैं उसकी खुद की आईडी से आ रहे हैं। क्योंकि हम वीडियो को चला के 10 मिनट की वीडियो मान लो मगर हमने उसे ओपन कर लिया और ओपन करके ही 5-10 सेकंड में भी ऑफ कर दिया, उस वीडियो का हमें एक व्यू मिल जाता है, तुरंत व्यू मिल जाता है। और न्यू यूट्यूबर क्या सोचते हैं, यार सही है यार मैं तो ओपन करके बैक कर देता हूँ व्यू मिल जाएगा, वो क्या करते हैं ओपन करा बैक कर दिया, फिर ओपन करा फिर बैक कर दिया, वो कहता है भाई जल्दी जल्दी देख पूरी वीडियो भी नहीं देखनी पड़ रही और व्यू भी मिल जा रहे हैं, ऐसे करके मैं व्यू बढ़ा लूंगा। भाई मुझे यार एक बात बताओ मेरे भाई, आप ऐसे व्यू करके कितने व्यू बढ़ा लोगे, 5 व्यू, 10 व्यू, 50 व्यू, 100 व्यू, ज्यादा 200 बढ़ा लोगे, बैठे रहोगे दिन भर 500 व्यू बढ़ा लोगे, हो जाएगा कुछ 500 व्यू से, आपकी बात रख के कह रहा हूं मैं, हो जाएगा कुछ 500 व्यू से, नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला 500 व्यू से आपके YouTube चैनल पर या आपकी वीडियो पर। तो सबसे पहले ये जो इतनी बड़ी गलती कर रहे हो ना, आप अपनी वीडियो खुद देखते हो चलाकर और खुद चलाकर रख देते हो ताकि आपके व्यू बढ़े, आप ऐसा भी काम करते हो, अपनी वीडियो को अपनी आईडी से चलाते हो, बार बार बंद करते हो, चलाते हो बंद करते हो, क्यों व्यू बढ़ जाएंगे। भाई आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, YouTube सब कैच कर रहा है, YouTube सब देख रहा है, वो ये भी देख रहा है कि आप अपनी वीडियो को खुद चला रहे हो। YouTube कभी आपकी वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा, कभी YouTube आपकी वीडियो को आगे नहीं भेजेगा। आप अपनी एनालिटिक्स चेक करते हो कभी YouTube स्टूडियो में जाके, आप उसमें जाके चेक करना कभी, रीच में आपको इंप्रेशन दिखेगा आपकी वीडियो पे इंप्रेशन कितना है, वो जो इंप्रेशन होता है ना आपकी वीडियो पे मान लो 100 व्यू है और आप इंप्रेशन जाके देखोगे आपकी वीडियो का 2-3 हज़ार का इंप्रेशन होगा, तो वो इंप्रेशन का काम होता है YouTube का मेरे भाई। YouTube आपकी वीडियो को लोगों के आगे भेजता है। अब आपकी वीडियो कितनी अच्छी है
आपका क्लिकेबल कितना अच्छा है, लोग उसको देख के कितना क्लिक कर रहे हैं, वो आपका और हम पे होता है कि हमारी वीडियो कैसी है, हमारा थंबनेल कैसा है। समझे आप, YouTube तो हमारी वीडियो को आगे भेजता है, मगर YouTube आपकी वीडियो को आगे भेजता है, वीडियो आपकी कितनी अच्छी है उस पर आपको बिलीव होना चाहिए। YouTube और लोग जो करते हैं, आपकी वीडियो जैसी होती है उस हिसाब से ही आपको व्यू मिलता है। अब आप वीडियो अच्छी बना नहीं पा रहे हो, या उसमें टाइटल अच्छा नहीं कर रहे हो, या टैग अच्छा नहीं कर रहे हो, तो भाई आप उम्मीद कर रहे हो YouTube से कि वो करेगा, और आप अपनी वीडियो भी खुद चला के देख रहे हो, तो मेरे भाई ये बात ठीक नहीं है, ये आप गलत कर रहे हो। जो भी गलत कर रहे हो, तो आप ऐसा काम सबसे पहले करना बंद कर दो। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आप अपनी वीडियो जब भी अपलोड कर रहे हो उसमें अच्छा सा थंबनेल होना चाहिए आपका, अच्छा सा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और अच्छा सा टाइटल होना चाहिए, और अच्छा सा टैग होना चाहिए। और ये जो सारी चीज है, हमारी जो वीडियो है, वीडियो से रिलेटेड ही हमारा थंबनेल होना चाहिए। वीडियो जो है, वीडियो के अंदर जो हम बोल रहे हैं उससे रिलेटेड ही हमारा टाइटल होना चाहिए। वीडियो में जो हम बोल रहे हैं वीडियो से रिलेटेड ही हमारे टाइटल से रिलेटेड ही हमारा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और उन सब से रिलेटेड ही हमारे टैग होने चाहिए। मतलब ये सारी चीजें जो है, पांचों चीज हमारी वीडियो से रिलेटेड ही होनी चाहिए, तब होती है आपकी एक अच्छे लेवल की वीडियो। YouTube पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका जो है, मैंने एक वीडियो में अपनी बता भी दिया है, आप मेरी पिछली वीडियो में देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस वीडियो मैंने अच्छे से बताया YouTube पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका कैसे है, अगर आपको नहीं आती वो भी देख लेना। तो भाई पहले तो वीडियो को सही तरीके से अपलोड करो, और अपलोड करने के बाद आप भाई खुद चला के देखते हो यार क्या मैटर है, बताओ। वीडियो अपलोड होगी आपकी, YouTube करेगा आगे, YouTube को दिख नहीं रहा, आप अपनी आईडी से खुद वीडियो चला दो भाई, तो अपनी आईडी से खुद वीडियो चलाना बंद करो पहले, तो वीडियो को अपलोड करो और छोड़ दो, नेट ओपन रखो अपने मोबाइल का। बहुत से लोग गलती भी क्या करते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, वीडियो अपलोड करते हैं अपने फोन भी तुरंत नेट वेट सब बंद कर दे, मेरे भाई वीडियो अपलोड करिए अपने मोबाइल का नेट भी ओपन रहने दिया करो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, नेट ओपन रहने दिया करो, और अपनी वीडियो आपको खुद चला के नहीं देखनी है, लोगों को पसंद आएगी लोग चला के देखेंगे आपकी वीडियो, YouTube को पसंद आएगी YouTube आगे भेजेगा आपकी वीडियो को, YouTube का काम है आगे भेजना आपकी वीडियो को, वो आपकी वीडियो को आगे भेजता है, अब आपकी वीडियो कैसी है वो आपके ऊपर होता है। अगर हमारी वीडियो पे व्यू नहीं आ रहा है तो आप समझ आ गया है, वो हमारी गलती है भाई, किसी की गलती नहीं है, हम कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जिस वजह से हमारी वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे हैं। लोग बहुत तरीका ढूंढ रखा है, लोगों ने बहुत दिमाग है, बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया यूट्यूब पे, आप गुम हो जाओगे कहीं नहीं मिलोगे भीड़ में। अगर पब्लिक में आना है, दिखना है लोगों को, तो उसमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, तरीके से करना पड़ेगा, सर्चेबल करना पड़ेगा आपको अपनी वीडियो को। तो भाई अपनी वीडियो को बिल्कुल बंद कर दो चलाना, जो भी अपनी वीडियो को खुद से चलाता है उम्मीद मत रखो यूट्यूब आपकी वीडियो वायरल करेगा। आप यूट्यूब चैलेंज छोड़ दो मेरे भाई, अगर आप अपनी वीडियो अपनी आईडी से खुद चला रहे हो, नहीं अपनी आईडी से अपनी वीडियो कभी मत चलाना, ठीक है, नहीं तो आपकी वीडियो कभी वायरल नहीं होने वाली। मैं यही कुछ चीजें अच्छी तरीके से समझाना चाहता था आपको, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप ये गलती नहीं करोगे, ठीक है। और जो भी आपको कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करिए, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा मेरे भाई, आप मुझे सपोर्ट करिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक है, मगर ऐसी गलती मत करो भाई, मैं अच्छे से समझाता हूँ यार, मैं भी कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं भी छोटा यूट्यूबर हूँ, अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो 5,900 सब्सक्राइबर हैं, मेहनत कर करते करते यहाँ पर आए, अब 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है हमारा छोटा सा, वो भी जल्दी आप पूरा करा दीजिए भाई, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ बना रहता हूँ, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट करो, कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट के ऊपर ही वीडियो बना के आऊंगा भाई, पूरी पिछली वीडियो देख लीजिए, मेरी पिछली 3-4 वीडियो ऐसी है जो लगातार मैंने कमेंट के ऊपर ही बना रखी है, तो लोग कमेंट करते हैं मुझे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं उनका रिप्लाई देता हूँ वीडियो के थ्रू। तो आपको जो भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, आपकी परेशानी को दूर करूंगा, आप मुझे सपोर्ट करिए, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ बना रहूंगा, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टाटा बाय बाय।